शुरुआत से ही गुड्डन की जिंदगी में कई तरह की मुश्किलें चलती आई हैं। कभी एजे की दिक्कत होती है तो कभी ये बहुएं मिलकर गुड्डन को परेशान करती हैं। पर इस बार कुछ अलग हुआ है और सभी बहुओं ने मिलकर गुड्डन का साथ दिया है। आखिर किस चीज में इन बहुओं ने इनका साथ दिया और कैसे सभी इकट्ठे हो इतने खुश हैं? जरा इस बारे में जान लेते हैं खुद गुड्डन से। गुड्डन तो यही मानती है, पहले तो उसको लग रहा था कि मैं अकेली ही कुछ कर सकती हूँ, सबूत इकट्ठे कर रही है, ढूंढ रही है, तो ये सब करी थी। लेकिन फिर उसको लगता है कि नहीं, मुझे अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए, सबकी मदद से ही ऑफकोर्स मैं ये कर पाऊंगी। तो तीनों लोगों को बोलती है कि आप हमारी मदद करो, तो सरस्वती बोलती है कि नहीं, हमसे तो नहीं होगा, अब हम क्या कर लेंगे जब कोर्ट के पास सबूत है, हम चार लोग क्या कर सकते हैं। तो गुड्डन सबकी हेल्प मांगते हैं, होता भी है कि सब लोग हेल्प करते हैं, सब लोग जब साथ मिल के जाते हैं पहुँचते हैं तो सबूत भी ढूंढते हैं, नेजे को वापस भी लेके आते हैं। दिखाइए मैंने बहुत घूमी हूँ, दिव्या ने बहुत घुमाया मेरे को, और आप देखेंगे कि एक डिफरेंट लुक में भी आपको गुड्डन नजर आएगी, वो बीच में थोड़ी चाल चलती है, स्मार्ट गर्ल बन के पहुँचती है, तो वो जरूर देखेगा। जिसके बाद गुड्डन ने सीरियल में आने वाले ट्विस्ट के बारे में भी बताया। ट्विस्ट एंड टर्न तो बहुत क्रेजी वाले आने वाले हैं, मुझे पढ़ के ऐसा होता है कि अच्छा गुड्डन की जिंदगी में इतना कुछ होने वाला है, तो शायद आप जल्दी देखेंगे एक और नया सदस्य घर, मतलब सदस्य जैसे गुड न्यूज़ नहीं है तो कोई और आपको घर में नजर आने वाला है जल्दी, फिर वो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आएगा, फिर हम होली मनाएंगे साथ में। तो आखिरकार गुड्डन एजे को जेल से निकालने में कामयाब रही और इस जीत में उसका साथ इन तीनों बहुओं ने दिया। आगे के ट्विस्ट की बात करें तो गुड्डन का कहना है कि कोई नया चेहरा जल्द दर्शकों को नजर आएगा, लेकिन वो अब कब आएगा, कौन आएगा, ये तो अब अगले एपिसोड में ही देख पाएंगे। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।